औलाद कफन चोर की औलाद बाप के मरने पर रोता है। मूड खराब कर दिया। डिपार्टमेंट का दरवाजा बंद हो जाता है। अच्छा ए, कौन है गया? बोलता कौन है? अभी बताते हैं साहब, अभी बताते हैं। क्या करता है मैन, क्या करता है? एक तो तुम करका, ऊपर से कोई मालदार आदमी आता है तो तुम झगड़ा करके उसको भगा देता है। काई को? अरे पन आज अपन कड़का नहीं है आंटी, ये देखो कड़क कड़क नोट लेके आया है। आज अपन की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। अपन का एक बाप होता था ना, वो साला आज मर गया, इसलिए अपन बहुत खुश है। आज तो अपन नाचेगा भी और नचाएगा भी। हाँ नाचेगा भी गाएगा भी, क्योंकि अपन को अपने बाप की आत्मा को दुख देने का है। क्या तुम भी ऐसा ही करेगा? जिस दिन तुम्हारा बाप मरेगा ना, तुम भी ऐसा ही करेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि सबसे पहले तुम पब्लिक के सामने झूठ मूठ का आंसू बहाएगा, फिर बाप का माल अंदर करेगा, दुनिया से नजरें चुरा कर इधर आएगा और अपने बाप की आत्मा का सत्यानाश कर देगा। बोलो ठीक है? नहीं, तेरे बाप के साथ साथ तेरी भी मौत आई है। अरे मौत तो कई बार आए भेड़ू, और जितनी बार आई ना साली मर के गई इधर से। कई बार तो अपन उसको शमशान का छोड़कर खुद आए। अरे हीरा क्या करता है मैं, जरा तुम अकल से काम लो। तुम पीछे हटाओ, मैं ऐसे सीधा करता हूँ। और यहाँ से ज्यादा कहना है? अरे भेड़ू अपन कुत्ते की वो दुम है जो 12 बरस नली में डाल के रखो, नली टेढ़ी हो जाएगी अपन सीधा नहीं होगा। तुम साला क्या अपन जो सीधा करेगा है कि नहीं? अपन से अगर ये खिलौना चल गया ना तो तुम तो क्या रोएगा तुम्हारा पिच्छू वाला, तुम्हारा माँ, तुम्हारा बाप। अपना क्या, अपना तो कोई है ही नहीं, ना आगे है ना पिच्छू है, ना कोई रोने वाला ना आंसू बहाने वाला। ये पिस्तौल का गोली से तुम जैसा पोकल लोग मरता होगा, अपन तो इसका गोली एकदम पेपरमेंट का गोली समझता है। ये देखो को जैसे तैसे, थोड़ी पैसे या वैसे कट जाएगी।
आपका